आपल्या समाजात पुरुषांचा असा समज आहे की मुली आणि महिला केवळ घर कामच उत्तम प्रकारे करू शकतात. मात्र पुरुषांच्या या विचारसरणीला बदलण्याचा प्रयत्न मध्य प्रदेशातील खंडवा जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायातील मुली करत आहेत. या मुली मोटरसायकल रिपेरिंग, मोबाईल रिपेरिंग, पशुसखी इत्यादी कामं करून आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गाड़ी के हम पंचर बना लेते हैं, ऑयल चेंज कर लेते हैं और सर्विसिंग कर लेते हैं, फिल्टर साफ कर लेते हैं. घर वालों ने तो नहीं कहा, लेकिन बाहर के लोग ने कहा कि ये क्या काम कर रही है, इससे और दूसरा काम करना था. जंगल आणि डोंगरात बसलेल्या या गावात गरिबी आहे, मात्र या गावातील मुली इतक्या सक्षम आहेत की स्वतः सोबत त्या आपल्या कुटुंबाचीही जबाबदारी उत्तम रीत्या सांभाळतात. ये मेकॅनिक का काम कभी बंद नहीं होंगे और बाहर काम करने जाएंगे तो एक समय पे मिलते है. इसमें क्या हमेशा ये आते जाते रहते, गाड़ी ऑन तो 24 घंटे, मतलब दुकान खुले रहेगा तो 24 घंटे पैसा आते है. कामाच्या शोधात अनेक आदिवासी लोक इतर ठिकाणी स्थलांतर करतात, त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामनाही करावा लागतो. बाहर जैसे काम करने जाते हैं लड़कियां, लड़के वगैरह तो कहीं भी नहा लेते हैं, लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है. और अगर पीरियड आ गया लड़की का तो सैनिटरी पैड भी नहीं मिलता है. खंडवातील अनेक आदिवासी गावात या अनेक मुली टेक खंडवातील अनेक आदिवासी गावात या मुली स्वतःच्या पायावर उभे राहून मेहनत करतात. मग ते काम रिपेरिंगचं असो किंवा गरज असलेल्यांपर्यंत डिझेल पोहोचवण्याचं. आदिवासी समुदायातील या मुली प्रत्येक कामात अग्रेसर आहेत. जामधड गावातील सती आणि साकिया बर्धाया या दोन बहिणीही मेहनत करून घराची जबाबदारी उत्तम रीत्या सांभाळत आहेत. तो हमको वहां पे तीन चीजें सिखाई गई, जिसमें मोटरसाइकिल रिपेयरिंग और ये ब्यूटी पार्लर का और इलेक्ट्रिशियन का सिखाया पहले ट्रेनिंग में हम लोगों को. गो ट्रस्ट संस्थेतून प्रशिक्षण घेतलेल्या साकिया आता पशु सखी आहेत. मैं टीका विकरण भी कर लेती हूँ और दवाइयाँ गोली देना और चेक करना बकरी को क्या प्रॉब्लम है वो सब. खंडवा आणि आजूबाजूच्या गावात लोकांचं स्थलांतर थांबवण्यासाठी आणि मुलींना सक्षम बनवण्यासाठी स्पंदन संस्थेकडून काम केलं जातं. एक कहावत है अपने समाज में, भारत में तो है कम से कम, कि ये जो औरतों के हाथ है केवल बेलन के लिए है या चूड़ियों के लिए है, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती. लेकिन ये बिल्कुल झूठा उल्टा हुआ. हमारी लड़कियां आज औजार उठा रही हैं, मोबाइल का बड़ा बॉक्स उठा करके मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रही हैं. तो आप उन पे विश्वास करेंगे तो वो करेंगी. और हर आज 5 किलोमीटर के बाद आप नए गांव में जब भी जाएंगे, जो भी नए गांव में जाएंगे, हमारी एक लड़की कर्मयोगिनी है और वो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ काम करते हुए सेल्फ अपने पैर में आत्मनिर्भर वो लड़की मिलेगी आपको. आदिवासी समुदायातील या मुलींची काहीतरी करण्याची इच्छा आणि जिद्द कौतुकास्पद आहे. घर काम सांभाळण्यासोबतच या मुली आज ती सर्व कामं करतायत, जी कामं मुली कधीच करू शकणार नाहीत असं म्हटलं जायचं. असेच आणखी व्हिडिओ आणि बातम्यांसाठी डाउनलोड करा दिव्य मराठी ॲप.